प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पी मदन मोहन रेड्डी, सेक्रेटरी कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशंस और इंडियन फार्मर्स फाउंडेशन। मेरा मुख्य रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, भारत सरकार हमेशा बोलते हैं किसान लोगों का डबलिंग फार्मर्स इनकम करेंगे, लेकिन ये लोग डबलिंग फार्मर्स इनकम नहीं कर रहे। 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी डाल दिया। आज स्वतंत्र आने का बाद फर्स्ट टाइम किसान लोगों का प्रोड्यूस के ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी डालना गलत है। और एक आंध्र प्रदेश से राइस एक्सपोर्ट होता है, मेजर राइस बॉल ऑफ इंडिया, राइस बैन किया है। बैन किया तो सब लोगों का बैन है। भारत सरकार यूनियन कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड बोल के कंपनी बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस करते हैं? किसान लोगों को अलो करो, एक्सपोर्टर्स को अलो करो, तभी किसान लोगों को अच्छा प्राइस मिलेगा। सरकार ने इनडायरेक्टली बैन रख के दूसरा तरफ से अपना जो कंपनीज है इफको, क्रिप्को, कुपको बना के उन लोगों का साथ प्रोक्योर करके $25 पर हर टन में कमीशन लेके ये काम कर रहे हैं। ये धंधा ये बहुत अगेनेस्ट है। 20% वो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तुरंत हटाना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट का परमिशन दिया तो सब एक्सपोर्टर्स को परमिशन देना चाहिए। ये सब किसान मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, वेस्ट बंगाल से, जो राइस उड़ीसा से प्रोड्यूस करता, वो किसान लोग आज पैडी करने के लिए सोच रहे हैं। फूड सिक्योरिटी आने वाला दिन में आएगा। अगर आप MSP नहीं देगा, ठीक से बढ़ाए नहीं देगा और एक्सपोर्ट भी अलो नहीं करेगा, धंधा भी आप करेगा, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी डालेगा, ये सब गलत है। सब किसान के नेता पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, साउथ से, हर जगह से सोचना चाहिए। ये 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर नहीं विथड्रॉ किया तो हम लोग दिल्ली में धरना करना चाहिए। जय किसान, जय किसान, जय किसान।